कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लंच ब्रेक के बाद फिर से ईडी ऑफिस पहुंच गई हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू हुई थी जो दोपहर 1:30 बजे तक चली। वहीं पूछताछ के खिलाफ पार्टी के सांसद और राहुल गांधी विजय चौक पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस नेताओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने पर सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये आवाज़ कुचलने की कोशिश है, केंद्र एजेंसी के जरिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट करा जा रहा है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के 50 सांसदों को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि इन सांसदों को कहीं अज्ञात जगह पर पुलिस ले जा रही है। कांग्रेस के ये सभी सांसद पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकाल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।